हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे चैप्टर 5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करा था, और आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं अपने उसके आगे के क्वेश्चंस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सीविंग, सीविंग क्या होता है और वेयर इज इट यूज, और सीविंग को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, सीविंग का मैथड कैसे यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, आंसर देखते हैं अपना। सीविंग इज अ मैथड, सीविंग एक ऐसा मैथड है इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स इन द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि सीविंग एक ऐसा मैथड है जिसमें से इन विच फाइन पार्टिकल्स, मतलब जिसमें से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सीव हो जाते, छन जाते हैं, सीव मतलब छन्ना, छन जाते हैं थ्रू होल्स, उनके होल्स के अंदर, सीव के होल्स में से वो जो हमारा फाइन पार्टिकल होता है वो सीव हो जाते हैं इन द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती है वो सीव के ऊपर रह जाती है। तो इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा कि सीव होता है एक छन्नी, सीविंग का छन्नी होती है एक, जिससे हम लोग आटा छानते हैं। ठीक है, उस छन्नी के अंदर हम लोग आटा डालते हैं, आटे को ऐसे उस सीव को ऐसे करके हिलाते हैं, हिलाते वक्त जो आटा होता है वो हमारा नीचे निकल जाता है, सीव हो जाता है, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है, जो अनवांटेड होती है, जैसे कि स्टोन वगैरह कुछ आ भी जाता है बाय चांस, तो वो उस सीव के ऊपर रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मतलब किसी चीज़ को छानना, छानते हुए, और जो उसकी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सीव के ऊपर ही रह जाती है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जैसे कोई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, वहाँ पे जो सीमेंट वगैरह होता है उसे छान, रेत सीमेंट उसे छानने के लिए एक बहुत बड़ा सा एक टूल होता है, जिसे जिसको दो जने पकड़ते हैं, एक इधर से और एक इधर से, और उसे बीच में सीमेंट डाल के उसे तेज तेज हिलाते हैं, और हिलाते वक्त जितना भी फाइन सीमेंट होता है, मतलब बिना स्टोन वगैरह के, वो नीचे निकल जाता है, और जो स्टोन पेबल्स वगैरह होते हैं वो उस सीव के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो सीविंग वही, मतलब सीविंग एक ऐसा, सीविंग उसे बोला जाता है कि जो जिस प्रोसेस के अंदर किसी चीज़ को हम छानते हैं और फाइन पार्टिकल नीचे निकल जाते हैं और जो बिग लार्ज इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सीविंग। तो नीचे लिखा है, इट, यहाँ पूछा ना वेयर इट इज़ यूज, ये कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन अ फ्लोर मील टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम व्हीट। मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, फ्लोर मील में, मतलब जहाँ पे आटा ग्राइंड होता है ना, आटा जैसे जहाँ पे गेहूँ बन के जाता है फैक्ट्रीज में, वहाँ पे आटा पिसता है, तो इट वहाँ ये फ्लोर मील में यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए जैसे कि हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम व्हीट। मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, सीविंग का प्रोसेस बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जब गेहूँ होता है ना, जो गेहूँ जब जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाने के बाद वो लोग सीविंग की हेल्प से जितनी भी लाइट जैसे कि हस्क हो गया, स्टोन हो गया, वो सेपरेट करने के लिए सीविंग का प्रोसेस होता है, और हम लोग घर पे भी यूज़ करते हैं सीविंग का प्रोसेस, और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th पर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब आप कैसे सेपरेट करोगे सैंड और वाटर के मिक्सचर को। ठीक है, मतलब सैंड और वाटर मिक्स हैं, और आप लोग उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, उसके स्टेप्स लिखो। ठीक है, तो हम आंसर देखते हैं हमारा, सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब सैंड और वाटर सेपरेट होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर, इन स्टेप्स की हेल्प से कर सकते हैं। ए है हमारा फर्स्ट स्टेप है, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब जो मिक्सचर है ना वाटर और सैंड का, उसको थोड़ी देर रख दो साइड में, जो कंटेनर में है वो मिक्सचर वो साइड में रख दो, और जब तक रखा जाए जब तक वो जो मिट्टी है वो नीचे ना बैठ जाए। ठीक है, उस कंटेनर के नीचे ना बैठ जाए, तब तक वो आप कंटेनर को बिना डिस्टर्ब करे साइड में रख दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप।
सेकेंड स्टेप है नाउ सैंड सेटल्स डाउन। अब जब आप देखोगे तो जो सैंड है वो नीचे बैठ गई होगी, ठीक है, मिक्स हो, जब हम मिक्स करी तो वो उसके बाद जब साइड में रख देंगे तो जब थोड़ी देर बाद देखोगे तो सैंड है वो सारी बॉटम ऑफ द कंटेनर बैठ गई, नीचे बैठ गई और वाटर ऊपर है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप था स्लोली पोर द वाटर इन टू अनदर कंटेनर, धीरे धीरे अब दूसरा कंटेनर ले लो और उस वो जो कंटेनर में जिसमें सैंड थी वो नीचे बैठ गई और उस वाटर को जिसके अंदर सैंड है उस वाटर को दूसरे कंटेनर में धीरे धीरे पलटो, ठीक है, टू ऑब्टेन सैंड इन द बॉटम। मतलब जब आप उसे धीरे धीरे पलटोगे दूसरे कंटेनर में, ये कौन सा प्रोसेस है, डिकेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, तो आप उसको जब दूसरे कंटेनर में पलटोगे पलटने के बाद वो जो सैंड है सिर्फ सैंड बचेगी। और हाँ, इतना धीरे पलटना है, ऐसे नहीं कि वाटर है तो पूरी सैंड पूरा ग्लास का पानी पलट दो, नहीं, इतना पलटना है कि सिर्फ वाटर ही गिरे, सैंड जो है वो नीचे ही बैठे रहे, सैंड ना गिरे, ठीक है। तो हमने इस मेथड से, डिकेंटेशन के मेथड से हमने ये पूरा सेपरेट कर लिया, कैसे सैंड नीचे बैठ गई, वाटर को दूसरे उस कंटेनर में पलट लिया हमने, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, डिकेंटेशन का प्रोसेस है। हमने पूरा ये सैंड अलग हो गई, अब नीचे बैठी सैंड अलग हो गई और वाटर अलग हो गया, हमने सेपरेट कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, हमने ये क्वेश्चन में मतलब ऐसी एग्जांपल हमने अपने चैप्टर में भी पढ़े थे ना, बहुत सारे चैप्टर में पढ़े थे, जैसे कि हम जब राइस धोते हैं, राइस धोते हुए जो राइस है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठने के बाद जो ऊपर के लाइट कॉम्पोनेंट होते हैं वो वाटर के ऊपर आ जाते हैं, फिर हम उस वाटर को फेंक देते हैं, है ना, तो उससे हमारा जो अनवांटेड पार्टिकल्स है और जो हमारा मेन चीज़ है वो सेपरेट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो हमने 4th और 5th क्वेश्चन पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।